पहले ही खटवा दो ना, तब हम अथी करेंगे। जो पहले ये वाला दो, जितना बोला है ना विकास ना, वो दो आगा कम गाओ। काम हम जानते हैं, आगा हमें जानते नहीं हो पा रहा। तो सुना आपने, साहब कह रहे हैं पैसा दो काम हो जाएगा। दरअसल नवी नगर थाने के एक रिश्वतखोर एएसआई का वीडियो इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एएसआई अशरफी दुबे दो बार में 5,000 यानी कुल 10,000 की रिश्वत लेते दिख रहे हैं। दरअसल ये मामला बालू की अवैध निकासी और ढुलाई में शामिल पकड़े गए ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए लेन देन से जुड़ा है। जो काम किए पापा बोले ऐसा थोड़े है कि डायरी में सर के बोलो मदद करने के लिए डायरी आ। थोड़ा पापा बोलेंगे पहले ये काम हम जो कर दिए। हाँ 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 ना, वो तो बात है। उनको बरी कर दिए थाना पहुँचने हाँ, के बाद हाँ, उसके लिए थोड़ा पापा क्या बोले? ना ना बहुत आप मदद किए सर, हम तो उसके लिए नहीं बोले कि हाँ ठीक है जाकर इतना मदद कर दिए। वही बोले आजत में जो बंद हो गया है उसको न भेजे बूढ़े आदमी के, उसके लिए थोड़ा पापा नहीं बोले कि नहीं जाके खर्चा दो उनको। हाँ सर, वो तो खर है, ये ऐसा बतियाने से थोड़े होता है। गड़िया के कैसे छोड़ाने लोग पाए कीजिए सर, जो खर्चा लगेगा खर्चा के लिए हम लोग पहले ही खटवा दो ना, तब हम अथी करेंगे। जो पहले ये वाला दो, जितना बोला है ना विकास ना, वो दो आगा कम गाओ। काम हम जानते हैं, आगा हमें जानते हैं। नहीं हो पा रहा, हम कल ही आ जाते आपके पास। आप बोल रहे थे फोन करके, हम कल ही आ जाते, ऐसा नहीं था समझे। इधर उधर से मत निकालो, जितना वो बोला है सर टोटल हमला है, मांग के लाया है समझे। टोटल मांग के लाया है कि क्या किया है, कितना है? 2000 रुपये आओ पहुँचा देंगे, पहुँचा देंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। कल तक आओ लाओ, 2000 तक उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। इसके बाद अगला बात नहीं चाह रहा हूँ। कहानी हमरा भी कम काम जाते। पिछले महीने 19 जुलाई को नवी नगर थाना के ही एक एएसआई विशेष झा ने रात्रि गश्ती के दौरान ब्लॉक कार्यालय के पास अवैध बालू लदे बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ा था। उस वक्त एएसआई झा की रिपोर्ट पर थानाध्यक्ष शैलेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी एएसआई अशरफी दुबे को सौंपी थी। वायरल वीडियो में दुबे जी रिश्वत लेते साफ दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में एएसआई की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है, जिसमें वे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसमें जब्त ट्रैक्टर को छोड़ने और केस डायरी की चर्चा है। आपको बता दें कि बालू को लेकर नीतीश कुमार की सरकार सख्त है। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने अवैध बालू निकासी और बालू के कारोबार में लिप्त पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, जिसमें बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक पर कार्रवाई की गई थी।